फॉर्मेशन ऑफ इन्सोल्युबल सब्सटेंस ऑपरस या बोथ ए एंड बी या फॉर्मेशन ऑफ इन्सोल्यूबल सोल्ट ऑफर्स इसमें सबसे गलत जवाब जो है वो डी हो सकता है सो so डी को सबसे पहले इलिमिनेट करेंगे अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेड एंड इनसोल्युबल सब्सटेंस अगर एक ही चीज है तो ए एंड बी शुड बी दंसर जो की सही है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेड इज दुबल सब्सटेंस एंड देयर फोर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन मोहर्स मेथड कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इज ड्यू टू कलर प्रेसिबिटेड इंडिकेटर सोल्युबल कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यान ऑफ दीज वेरी सिंपल क्वेश्चन कलर्ड प्रेसिबिटेड फॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर मोर्च मेथड में कलर प्रेसिबिटेड फॉर्म होता है दी सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिबिटेट विल डिक्रीज विथ डैश 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 देशर So very, uh, easy, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है नो इफेक्ट ऑफ या फिर इनिशियली सबसे गलत जवाब हो सकते हैं शुरू फिर में ज्यादा कम हो जाएगा ये गलत जवाब है सो सी और डी को इलिमिनेट करते इट्स वेरी सिंपल थिंग दैट वेन एवर वी इंक्रीज दर देट टाइम सोलबिलिटी इंक्रीजेस और अगर कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा की सोल्यूबिलिटी जो है वो आपको पता हो मोहर्स मेथड में क्या यूज होता है फजांस में फ्लोरोसिन एडसॉर्ब इंडिकेटर यूज होता है या होल्लाट्स में फेरिकलम जिसे फेरिकमोनियम सल्फेट कहते हैं ये अगर आपको पता हो और दिस कलर तो आप

या फिर इसको आधा कर दिए 20 और ये मेल उतने ही रखे तो बन गया पॉइंट फाइव नॉर्मल या फिर दोनों चीजों को अगर डिवाइडेड बाय 10 कर दिए तब भी पॉइंट फाइव ही रहेगा ओके इसको 500 हंड्रेड किया इसको 10 एम किया सो इट विल बी ऑफ दी सेम कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट नॉर्मल ही रहेगा अगर ये चीज आपको पता है तो आप कोई भी सॉल्यूशन जो है वो इजीली बना सकते हैं वेट एजी एनओ थ्री का वो अगर आपको पता हो तो आप इजीली इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं एंड व्हाट इज द इक्वेलेंट वेट ऑफ एजी थ्री वेट है एंड फॉर में अगर लेंगे तो बनेगा वन नॉर्मल अगर यही चीज हंड्रेड ml के लिए पूछी जाए तो होगा okay? लेकिन कलर इन मोर्स मेथड इज ब्रिक रेड ब्लू येलो या ब्लैक इसका सही जवाब जो है दैट इज नथिंग बट द ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज द करेक्ट आंसर रिएक्शन इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज रेपिड एंड क्वालिटेटिव रेपिड एंड क्वानिटेटिव स्लो एंड क्वानिटेटिव या स्लो एंड क्वालिटेटिव यहाँ पे एक चीज नोट करना जरूरी है, कि अगर हम titration कर रहे है तो दैट reaction मस्ट be रैपिड अगर स्लो रहेगी तो हमें रुक रुक के टाइट्रेशन करना पड़ेगा और हम ठीक से एनालाइज नहीं कर सकते हैं एंड देर सबसे पहले इलिमिनेट करेंगे सी एंड डी को रहा क्वेश्चन क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव का

या yeah, अगर पढ़ाई की है तो हम जानते हैं कि ये तीनों इंडिकेटर जो है वो इसमें यूज होते हैं या फिर इस चीज को भी हमने इससे पहले देखा एंड देर फोर डी ऑल ऑफ दीज इज क्वेश्चन इन फजांस मेथड कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इज ड्यू टू कलर प्रिबिटेड फॉर्मेशन

Halides, silver ions, thiocyanates, all of these. These are nothing but the applications of precipitation titration and therefore all of these is the correct answer. Ko hum determine karte Which of the following is an example of adsorption indicator? Phenophthalene, methyl red, eosin, या नीन हाइड्रेन ये दोनों तो नहीं है और नीन हाइड्रेन भी नहीं है, है 10 -10 यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया नहीं है सो so आपको बस ये बताना है कि भाई ये कौन से रेंज में है माइनस इलेवन के है माइनस टेन के है फाइव के फिफ्टीन के एंड करेक्ट आंसर इज माइनस टेन एजीसीएल का जो सोलबिलिटी है

िन फ्लोरोसिन मिथिल रेड या फेरी कलम ध्यान में रखिए फजांस मेथड जब भी है तब उसको एडसॉप्स इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं उसको यूज किया जाता है सो बी इज दंसर

थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट कीजिए कोई सजेशन होगा लाइक कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सो दैट यू कैन गेट दि सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो थैंक यू थैंक यू वेरी मच